तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो बिजली बिल जमा किए हैं वो जमा हुआ है या नहीं, वो आप पता कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि आप तो बिजली बिल किसी भी अपने स्टाफ को दे देते हैं या फिर आप अपने बच्चे को दे देते हैं, और वो बिजली बिल जमा करता है या फिर नहीं किया है वो आप कैसे पता कर पाओगे। या फिर आप अपने ऑनलाइन के माध्यम से भी आप अपने बिजली बिल को जमा करते हो, तो कभी कभी होता क्या है, किसी कारणवश आपका ऑनलाइन का जो सर्वर होता है वो लेट या फिर स्लो होने की वजह से नेट आपका फेल हो जाता है, जो आप बिजली बिल जमा करते हो और वो बिजली बिल नहीं जमा हो पाता है। तो आप कैसे पता कर पाओगे कि आपका जो बिजली बिल है वो जमा हुआ है या नहीं, वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप ये पता कर पाओगे एक मोबाइल के ज़रिए कि आपका जो बिजली बिल आपने जमा किया था वो हुआ है या नहीं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहें। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे भी लाइक कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ घंटे वाले बटन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट वीडियो हमारे चैनल पर जब भी अपलोड होगा भविष्य में, तो आपका जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा और आप उस नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारे वीडियो को देख पाएंगे और उससे लाभ ले पाएंगे। तो चलिए आज का कमाल का वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, उसके लिए करना क्या होगा, सिंपली आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन पे उस लिंक के थ्रू आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे आप प्ले स्टोर से भी उस ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप अपना प्ले स्टोर को ओपन करते हो तो आपका यहाँ पर सर्च बार पर आप वो ऐप को इंस्टॉल कर लोगे सर्च करके। तो यहाँ पर मैंने झारखंड बिजली बिल को सर्च कर लिया है। आप अगर झारखंड से हो तो झारखंड बिजली बिल को सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर कुछ कोई दूसरे जगह से हो तो आपको वो जगह को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैंने झारखंड बिजली बिल को सिलेक्ट कर लिया है। झारखंड का बिजली बिल अगर हमें डिटेल चेक करना है तो झारखंड बिजली बिल को यहाँ पे सिलेक्ट करके और इसका लोगो कुछ इस प्रकार से आएगा, तो आप इसे इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे। जैसा कि देख सकते हो मेरा पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम इसे सिंपली ओपन कर लेंगे। आप भी इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लोगे। जैसे ही ओपन करते हो तो उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाएगा। पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो पे बिल का आ रहा है और सेकंड में जो आ रहा है वो यहाँ पे चेक योर बिल। तो आप चेक योर बिल पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐड आ जाता है, तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो। जैसे ही आप कैंसिल कर देते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे ऑप्शन पे टिक करके आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे कंज्यूमर नंबर पे आप टिक कर दोगे या फिर बिल नंबर आपके पास जो भी है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास कंज्यूमर नंबर है, तो कंज्यूमर नंबर पे टिक कर देना है। कंज्यूमर नंबर वो होता है जो आपका स्लिप में 5 डिजिट का आपको कंज्यूमर नंबर दिया जाता है। जो 5 डिजिट का होता है वो यहाँ पर कंज्यूमर नंबर को आपको इंटर कर देना होगा यहाँ पर। जैसे ही आप कंज्यूमर नंबर को यहाँ पर इंटर करते हो, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे कंज्यूमर नंबर को एंटर कर देते हो तो आपको यहाँ पे प्लस अपना सेलेक्ट कर लेना है कि जहाँ का भी बिल आप चेक करना चाहते हो तो उस जगह का आपको प्लस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारा यहाँ पे आपको झारखंड का प्लस आ चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट। हमारा ये गुमला आ चुका है और गुमला को जैसे ही हमने सेलेक्ट किया और अपना कंज्यूमर नंबर यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर कंज्यूमर का पूरा डिटेल आ चुका है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है कंज्यूमर नंबर, सेकंड में कंज्यूमर का नाम और यहाँ थर्ड में वो कहाँ से रहने वाला है, सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर आपका मोबाइल नंबर इंटर होगा तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी यहाँ पर शो होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर इंटर नहीं होता है तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर बिल्कुल ही नहीं शो होगा। जैसे कि देख सकते हैं इसका यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर नहीं है, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। आप इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं तो आपका जो भी बिजली बिल आपने जमा किया है तो यहाँ पे सीरियल वाइज यहाँ पे आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे बिजली डेट आ जाता है, जो बिजली डेट आपने जमा किया है, बिजली बिल अपना पे किया है वो डेट आ जाता है यहाँ पर, बिजली नंबर आ जाता है, साथ ही साथ आपका मंथ यहाँ पर आ जाता है, टोटल अमाउंट जो है जोड़ के यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। तो देख सकते हो आप इस तरह से देख सकते हो, व्यू का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, जिस डेट को आपने जमा किया है उसका पूरा डिटेल आप लेना चाहते हो तो इस प्रकार से आप ले सकते हो। जैसे कि आप बहुत सारे पिछले डेट का भी आप यहाँ पे डिटेल ले सकते हो इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ एक को चेक करके, एक मंथ का मैं दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट मंथ का मैंने यहाँ पर जो बिजली बिल पे किया है यहाँ पर देख सकते हो 1,002 रुपये का हमने बिजली बिल पे किया है, और ये जो डेट है ये हाल ही फ़िलहाल का है, जैसे कि 23 मार्च का ये है, और ये हमने जो पे किया है वो 3:45 पे हमने ये बिजली बिल को पे किया है।
अगर इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही व्यू पे क्लिक करते हो तो आपका जो है उस डेट का पूरा यहाँ पे आ जाता है स्लिप, तो आप देख सकते हो। ये स्लिप को आप जूम करके भी देख सकते हो, यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको आ जाता है। कंज्यूमर नंबर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर अगर इंटर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल आईडी अगर इंटर होगा तो वो भी यहाँ पे आ जाता है, आपका जो है एड्रेस भी आ जाता है कि आप कौन सा एड्रेस से रहने वाले हो, तो एड्रेस भी आ जाता है, कौन सा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा कुछ आ जाता है। और यहाँ पे आपका बुक नंबर वगैरह सारा आ जाता है, यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, और जो भी आपका जो बिजली बिल जो स्लिप आपको देता है, जो बिजली बिल आपका प्रोवाइड करता है उसका यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको नंबर भी आ जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाता है उनका, और यहाँ पे उनका नाम भी शो हो जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे उनका नंबर और नाम दोनों चीज़ शो हो चुका है, और ये किस एरिया को हैंडल करते हैं वो एरिया भी यहाँ पे आ चुका है, चेटर गुमला। तो आप इस प्रकार से आप अपना सारा डिटेल निकाल सकते हो ईजिली अपने बिजली बिल को, और आप इसे चाहोगे तो प्रिंट भी कर सकते हो। अपना प्रिंट मशीन अगर आपके पास है तो इसका प्रिंट कॉपी भी आप निकाल सकते हो। तो आप इस प्रकार से दोस्तों अपना बिजली बिल इजीली तरीके से चेक कर सकते हो एक मोबाइल के जरिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो से रिलेटिव सवाल या सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो आज का थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।